देखो जब भी कोई साइंटिस्ट आपसे पूछा जाता है ना वेन एनी सेंटेंस इज आज टू यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो हाउ इट इज ट्रांसलेटेड

कुछ ऐसा पढ़ाओ जो अभी तक नहीं पढ़ाया गया तो ये लिखा टीच समथिंग दैट हैज नेवर बिन टॉट मैं आज कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जो अभी तक नहीं पढ़ाया गया है क्या कहेंगे टुडे आई विल टीच समथिंग टुडे आई विल टीच समथिंग दैट हैज नेवर बिन टॉट दैट हैज नेवर बिन टॉट मैं आज कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जो अभी तक नहीं पढ़ाया गया टुडे आई विल टीच समथिंग दैट हैज नेवर बिन टॉट क्या था? आप सीखने के लिए तैयार हो आर यू रेडी टू लर्न आर यू रेडी टू लर्न मैं मानता हूं रवि ने आपसे ज्यादा अच्छा बोला है आई बिलीव जब आप किसी चीज को मानते हो तो आई बिलीव रवि ने आपसे ज्यादा अच्छा बोला रवि हैज स्पोकन बेटर देन यू रवि हैज स्पोकन बेटर देन यू रवि हैज स्पोकन बेटर देन यू राइट नाउ क्या आप दिल्ली से हो आर यू फ्रॉम दिल्ली आर यू फ्रॉम दिल्ली हां मैं दिल्ली से हूं यस आई एम फ्रॉम दिल्ली मुझे सोचने दो लेट मी थिंक मुझे बोलने दो लेट मी स्पीक मैं बोलना चाहता हूं आई वॉन्ट टू स्पीक मैं जाना चाहता हूं आई वॉन्ट टू गो आई टू गो वहां मत जाओ डोंट गो देयर डोंट गो देयर सेंटेंसेस मत बनाओ सेंटेंसेस मत बनाओ क्या कहेंगे डोंट मेक सेंटेंसेस डोंट मेक सेंटेंसेस क्या आपको पता है वह क्या कर रहा है क्या कहेंगे इंग्लिश में क्या आपको पता है वह क्या कर रहा है डू यू नो वॉट ही इज डूइंग फिर से बोलो डू यू नो वॉट ही इज डूइंग मुझे पता है वो क्या कर रहा है मुझे पता है वो क्या कर रहा है आई नो वॉट ही इज डूइंग मुझे पता है वो क्या कर रहा है आई नो वॉट ही इज डूइंग यदि आपको पता है कि वो क्या कर रहा है तो मुझे बताओ इफ यू नो वॉट ही इज डूइंग इफ यू नो वॉट ही इज डूइंग टेल मी टेल मी इफ इफ यू नो वॉट ही इज डूइंग टेल मी मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है आई डोंट नो कम आई डोंट नो वॉट ही इज डूंग वॉट ही इज डूइंग मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश मैं आपकी मदद करना चाहूंगा क्योंकि मुझे आपकी मदद करने का शौक है आई वुड लाइक टू हेल्प यू बिकॉज आई लाइक टू हेल्प यू मैं वहां जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे वहां जाने का शौक है आई वुड लाइक टू गो देयर बिकॉज आई लाइक टू गो देयर क्या आप सब कुछ कर सकते हो कैन यू डू एवरीथिंग क्या वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं सोचता हूं क्या आप वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं सोचता हूं कैन यू डू एवरीथिंग दैट आई थिंक जो मैं सोचता हूं दैट आई थिंक मुझे लगता है मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैं सोचता हूं क्या कहेंगे आई थिंक आई कैन डू एवरीथिंग That आई थिंक मैं आपकी मदद करना चाहता था क्या कहोगे मैं आपकी मदद करना चाहता था आई वॉन्टेड टू हेल्प यू मैं वहां जाना चाहता था आई वॉन्टेड टू गो there। मैं वहां जाना चाहूंगा आई वुड लाइक टू गो there। आई वुड लाइक टू गो there। पढ़ाई करो स्टडी पढ़ाई मत करो डोंट स्टडी पढ़ाई कभी मत करो नेवर स्टडी मुझे पढ़ाई करने का शौक है आई एम फॉन्ड ऑफ एफ ओ एन डी फॉन्ड आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडी मुझे सेंटेंसेस बनाने का शौक है आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस क्या आप वो सेंटेंस बोल सकते हो जो मैं सोचता हूं कैन यू स्पीक द सेंटेंस दैट आई थिंक जो भी दिमाग में आए ना व्हाट एवर कम्स इन यू माइंड जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इट And remember one thing: if you can truly translate anything that comes in your mind, I guarantee you, you can easily communicate with anyone. Because there is one barrier uh, ba barrier that comes in you, that that comes on the way to speak English is only uh, that you don't try to uh, translate anything, you don't try to think something innovative. See, uh, when you communicate with anyone, it happens sometimes uh, that uh, you don't know uh, what to say next. Okay, uh, sometimes it happens that you don't know enough data uh, to put.

कह सकते हैं दिस इज ओनली द वे टू इनिशिएट द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदी मीडियम गुजराती मीडियम फ्रॉम दी वेरियस मीडियम दे आर एंड दे हैव नेवर स्पोकन इंग्लिश बिफोर सो विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन मैथड दे कैन एक्चुअली कम्युनिकेट दे कैन एक्चुअली स्पीक इन इंग्लिश एंड समहाउाउ इट बूस्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम जो देखा जाता है दैट द स्टूडेंट डोंट बिलीव दैट दे कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली है ना उनके अंदर एक माइंड सेट कौन सा बना है

आंसर दो आज रात मैं पार्टी करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डू पार्टी आज रात मैं कुछ नया uh, करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल टुनाइट ओके आज रात मैं एक नया सेल्फोन खरीदने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेल्फोन टुनाइट तो जो भी आज रात आप करने वाले हो भाई व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक आप अगले हफ्ते क्या करने वाले हो या क्या क्या कर रहे हो uh, क्या करोगे आप नेक्स्ट वीक सो आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग आई विल बी बाइंग न्यू कार नेक्स्ट वीक है ना जो भी आप करने वाले हो नेक्स्ट वीक वेन डू यू प्लान टू डू यूर होमवर्क आप अपना होमवर्क करने की योजना कब बनाते हो आई यूजली प्लान टू डू माई होमवर्क ऑन संडे मैं ना संडे को अपना प्लान बनाता हूँ ठीक है ना चलो 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 वेन आर यू गोइंग टू एट डिनर आप डिनर कब खाने वाले हो कमान आप डिनर कब खाने वाले हो ऐसे मैंने कहा वॉट टाइम डू वी हैव टू लीव फॉर एयरपोर्ट हमें एयरपोर्ट के लिए कब निकलना है ठीक है ना वट टाइम मतलब कौन से समय पर निकलना है वट शुड बी डू टू नाइट आज रात हमें क्या करना चाहिए वट आर यू गोइंग टू डू टू नाइट आज रात आप क्या करने वाले हो वट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक आप नेक्स्ट वीक क्या कर रहे हो ठीक है डिड यू डू टूडे आज आपने क्या किया विच फिल्म डिड यू लाइक बेस्ट आपको कौन सी मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई जानवर मत बोल देना हाँ <laughs> नहीं तो हाईली मोटिवेट हो गए फैमिली के साथ जानवर देखने चले गए और फिर उधर पप्पा कर रहे हैं कोटाई भयंकर वाली ओके सो फिल्म डिड यू लाइक द बेस्ट होम डिड आई फोन मैंने किसको फोन किया वट तुम्हें क्या हुआ विच फिल्म इज बेस्ट कौन सी फिल्म बेस्ट है हु कॉल्ड मी किसने मुझे बुलाया नेक्स्ट हाउ ऑफन शी यूज इट उसने अक्सर कब कब इसे यूज किया कैन वी स्मोक इन योर रूम क्या हम हमारे रूम में क्या हम आपके रूम में धूम्रपान कर सकते हैं अच्छी आदत नहीं है इट इज नॉट गुड थिंग विल यू गिव मी अ लिफ्ट क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे Why are you not well? तुम ठीक क्यों नहीं हो Why are you losing your temper? तुम अपना आपा क्यों खो रहे हो देखो लूज टें का मतलब क्या होता है आपा खोना ठीक है वॉट रॉन्ग मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है ठीक है ना वॉट रॉन्ग मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया वॉट रॉन्ग मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है

आई डोंट लेट यू स्टडी बिकॉज वेन आई वॉज स्टडिंग यू डिड नॉट लेट मी स्टडी सो एम टेकिंग रिवेंज य तो इस तरीके से आप जो है आंसर करो देखो जब भी आपके पास टाइम हो मैंने कहा कि भाई आपके पास नून में टाइम है मान लो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टाइम इन नून सो जस्ट रीड दैम एंड जस्ट आफ्टर रीडिंग ट्राई टू आंसर इन यूर ओन वे मैंने कहा हाउ आर यू गेटिंग ऑन योअर स्टडीज आप अपनी पढ़ाई को कैसे गेट ऑन कर रहे हो है ना uh... ई डू यू नॉट पे अटेंशन आप ध्यान क्यों नहीं देते हो डू नॉट कॉप डाउन भी कर सकते हो वाई डू यू चैटर आप इतने चैटर क्यों करते हो बकबक क्यों करते हो चैटर का मतलब होता है कंटिन्यू बोलते रहना बकबक करते रहना ये पेपर किसने सेट किया है डू यू क्या आपके पास कोई अतिरिक्त स्पेयर का मतलब क्या होता है अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बुक है एंड हैव यू ऑफर्ड आर्ट क्या आपने आर्ट ऑफर करी है ना सो इस तरीके से ये जो सेंटेंस है इनको हमें क्या करना है पढ़ना है?